नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी, नवरात्रि की शुभकामनाएं। मित्रों, नव दुर्गा यानि माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, देवी कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धदात्री। नव दुर्गा में माँ शैलपुत्री का सर्वाधिक महत्व है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारुणाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माता शैलपुत्री की उपासना से ही नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अपने पहले स्वरूप में माँ दुर्गा जी शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। शैलपुत्री नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। माँ अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प लेकर वृषभ पर सवार हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं जो पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी। माँ सती प्रजापति दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव के अपमान को सह न सकी थी और उन्होंने योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया था। अगले जन्म में वह शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्मी और शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। माँ पार्वती भी उन्हीं का नाम है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। दधानाकर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण नुत्तमा। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप माँ ज्योतिर्मयी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मयी एवं अत्यंत भव्य है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माँ ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। माँ शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता आती है और आरोग्य प्राप्त होता है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विद्या, बुद्धि और लंबी आयु प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग लाल है, तो माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। तो मित्रों, इसी जानकारी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। नमस्कार, जय सियाराम, जय माता।